नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के संपादक को राहुल गांधी के एक फर्जी वीडियो को चलाने के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के संपादक रजनीश आहूजा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक फर्जी वीडियो के प्रसारण पर दर्ज कई FIRs में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि मौजूदा FIRs और भविष्य की FIRs के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए जो एक ही विषय पर दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में दर्ज की गई पहली FIR में जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन रायपुर में दर्ज की गई बाद की FIR में जांच पर रोक लगा दी। याचिका को एंकर रोहित रंजन द्वारा दायर पिछली याचिका के साथ टैग किया गया है, जिसे 8 जुलाई को एक अवकाश पीठ द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि एक ही प्रसारण पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई FIR दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि गलती का एहसास होने के बाद चैनल ने प्रसारण वापस ले लिया था और एंकर ने सार्वजनिक रूप से माफी भी जारी की थी। गौरतलब है कि मुद्दा चैनल द्वारा प्रसारित एक खबर के संबंध में है, जिसमें फर्जी तरीके से दिखाया गया था कि राहुल गांधी ने कहा है कि उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों को माफ कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये खबर गांधी के एक और बयान के साथ छेड़छाड़ करके तैयार किए गए वीडियो पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने वास्तव में कहा था कि उन्होंने उन युवाओं को क्षमा करने की बात कही थी जिन्होंने वायनाड में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। उनके खिलाफ में एक FIR दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा, उनके टीवी चैनल द्वारा एक न्यूज को एक दूसरी न्यूज के साथ कनेक्ट करके जोड़ा गया और उसको प्रसारण किया गया था, जिसके विरुद्ध में कई FIR दर्ज हुई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को ये डायरेक्शन देते हुए नोटिस जारी किया कि आप इनके खिलाफ में कोई भी कठोर कदम न उठाएं और इनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हैं वो स्वयं प्रवृत्ति की हैं, चूँकि फरियादी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली गई थी फरियादी द्वारा और फरियादी ने उक्त वीडियो का प्रसारण रोक दिया गया था, इसलिए फरियादी खिलाफ अभी कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए और अपना जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।